भगवान वामन के चमत्कारी मंदिर की कहानी। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन प्रकटोत्सव मनाया जाता है। भागवत कथा के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय की कथा के अनुसार सतयुग में इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। यह अवतार श्रीमद् भागवत कथा में बताए गए 24 अवतारों में 15वां था। केरल के कोच्चि में थिक्का में भगवान वामन का मंदिर है। 29 अगस्त को वामन जयंती है। वामन जयंती पर यहाँ खास पूजा की जाती है और इसके बाद ओणम पर्व की शुरुआत होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ओणम उत्सव के दौरान राजा बलि यहाँ आते हैं। केरल का भगवान वामन मंदिर। थ्रिक्कारा में मंदिर कब बना, वहाँ की मूर्ति कितने साल पुरानी है, इस बारे में सटीक जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर से मिले शिलालेख 10वीं से 13वीं शताब्दी के हैं। हालांकि मूल मंदिर और भी पुराना हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मंदिर चेर राजवंश के शासनकाल का है, जिन्होंने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक केरल पर शासन किया था। हालांकि वर्तमान में मौजूद वामन मूर्ति मंदिर की वर्तमान संरचना बहुत पुरानी नहीं है। सालों से ये मंदिर धीरे धीरे टूट रहा था और 19वीं सदी के दशक तक ये मंदिर बहुत हद तक टूट चुका था, इसलिए 20वीं सदी के शुरुआती सालों में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इस मंदिर से होती है ओणम की शुरुआत। 10 दिवसीय ओणम पर्व की शुरुआत इस मंदिर में रंगीन झंडा फहराकर की जाती है। ओणम इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए यहाँ ओड़ सड़ा यानी ओणम का भोज भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। सभी धर्मों के लोग समान रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इससे पहले त्रावणकोर महाराजा के शासन में यहाँ 61 स्थानीय शासकों ने मिलकर ओणम त्योहार आयोजित किया था। मंदिर में अन्य उत्सव विष्णु, दिवाली, मकर संक्रांति, नवरात्रि और सरस्वती पूजा भी मनाए जाते हैं। ये है वामन अवतार से जुड़ी कथा। सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णु जी ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इसके बाद एक दिन राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तब वामन देव बलि के पास गए और 3 पग धरती दान में मांगे। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि ने वामन देव को 3 पग धरती दान में देने का वचन दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धर लिया, 1 पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने वामन देव को खुद के सिर पर पैर रखने को कहा। वामन देव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, वो पाताल लोक में पहुंच गया। बलि की दानवीरता से खुश होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और सभी देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने धर्मकथाएं.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।